सूचना मिली थी कि यहाँ पे बिना लाइसेंस के बहुत बहुत बड़ी संख्या में मात्रा में यहाँ पे अवैध रूप से शराब पिलाई जाती है और एक बार संचालित हुआ है। आबकारी विभाग को ये सूचना मिली थी। आबकारी विभाग ने हम लोगों से सहयोग मांगा था नगर निगम ने, और फिर हम लोग जब आबकारी के साथ आए तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में शराब पाई गई जो बिना लाइसेंस के बेची जाए, वो एक्साइज की एक अलग कार्रवाई है। लेकिन एक्साइज की कार्रवाई पर फिर हम लोग बिल्डिंग परमिशन भी चेक करने के लिए यहाँ पर आए और बिल्डिंग परमिशन में बहुत सारे तरह के वायलेशन यहाँ पाए गए, जिसका जो नक्शा था कोई सूरत बजट की बिल्डिंग है उन्होंने खरीदी हुई है और 1500 स्क्वायर फीट का है और इसमें मिश्रित यूज़ की बिल्डिंग है ये, जिसमें कि एक फ्लोर ही कमर्शियल इनको देना चाहिए था, बाकी दो फ्लोर जो है इनके रेजिडेंशियल होना चाहिए थे। लेकिन मौके पे पूरी बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटीज़ पाई गई हैं, अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया और रेस्टोरेंट हैं तीनों फ्लोर में और ऊपर भी बनाया हुआ है ओपन बार और ओपन होटल, तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अभी इनको हमने टाइम दिया है अभी 12 घंटे का कि आप लोग जो भी वायलेशन हुए हैं उसको अपने स्तर पर हटा देंगे और फिर नगर निगम इसमें कार्रवाई कर रहा है। कमिश्नर मैडम के निर्देश पर अपने आप हटा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर नगर निगम कल इसको तोड़ेगा। जो भी नक्शे के विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई करी है नक्शे वैसे ही नगर निगम फिर इसमें कार्रवाई करेगी। कितने समय से संचालित की जा रही थी? अब ये तो हम लोग को नहीं मालूम है, सुबह आज एक्साइज को ही सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए थे और एक्साइज को जब यहाँ पर शराब मिलने की पुख्ता जानकारी हुई फिर उन्होंने नगर निगम से हम लोगों ने सहयोग मांगा और हम लोग नगर निगम की जाँच नगर निगम से बिल्डिंग की जाँच करने आए, नक्शे की जाँच करने आए। वो जो शिकायत थी वो एकदम सही थी और इसमें बहुत रूप से अवैध रूप से काम भी हो रहे थे और नक्शा जो था वो स्वीकृति के 100% विपरीत काम हो रहे थे।